कल इलेक्शन में फ्री के चक्कर में बहन जो किसी को भी जिता रहे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली में। अब फिर कटेंगे, मार काटोगी फिर काटेंगे, फिर याद आएगी बीजेपी। जगह है ये, वो जगह है जहाँ पे जलाया जाता है लोगों को, चिताएं यहाँ पे जलती है। अब देख सकते हो कम से कम एक बार में 10 लोग को तो यहाँ से जला सकते हैं एक बार में। और यहाँ के लोग हैं कुछ जो काम करते हैं चिता उता लगाने का, लकड़ी वकड़ी लाने का। और बिल्कुल इसके सामने गंगा, इस तरफ भी चलता है और इस तरफ भी चलता है, चारों तरफ फुल चलता है। अभी शुरुआत नहीं हुई है तो आप लोग ही करवाते हैं सारा काम यहाँ पे? तो यहाँ पे फीस भी कुछ है या मतलब कितना खर्चा हो जाता है? सेवा समिति है, जिसके पास है वो खर्चा, जो उसका सामर्थ्य है खर्च करे, जिसके पास नहीं है उसके लिए सेवा समिति निःशुल्क लकड़ी देती है, सामग्री भी देती है। अच्छा, मतलब अगर किसी के पास सपोज कोई 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 ऐसा आदमी है जो रोड साइड रहता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई उसकी मदद करने के लिए उसको जलाता है? रोड साइड जो रहते हैं उसको तो सेवा समिति बिल्कुल फ्री फूंकती है। अच्छा, मगर पुलिस की देख रेख में आना चाहिए। अच्छा, सब कुछ पुलिस की देख रेख में होना चाहिए। वो पुलिस बोलती है, पुलिस की लिखित में देती है, तब जलाते हैं। जैसे कोई मरा पड़ा है, 5-6 दिन पुलिस रखती है, उसका कोई परिजन नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है तब वो सेवा समिति के सुपुत्र करती है। सेवा समिति निःशुल्क उसका उसका एक भी रुपया नहीं लगता ना। सेवा समिति नॉर्मल लोग का भी नहीं लगता, आपकी इच्छा है तो आप नॉर्मल लोग जो अगर कहेंगे कि भाई नहीं है हमारे पास, तो एक एप्लीकेशन लिख दे तो उसके लिए सेवा समिति लकड़ी फ्री कर देती है। अच्छा, अब वैसे कोई चार्ज तो होगा फिक्स? एक 300-500 चार्ज नहीं है। लकड़ी अगर 4 क्विंटल लेगा, वो जितनी लकड़ी लेगा उसका लकड़ी का चार्ज है। अच्छा, लकड़ी का है देगा, जिसके पास नहीं है उसके लिए। और आप लोग का मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू है ये? नहीं नहीं, ये सेवा समिति हमारे मेंबर लोग देखते हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट कोई लकड़ी देती है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं यहाँ पे? अच्छा, और यहाँ पे एक और है ना, ये कितने यहाँ पे टोटल हरिद्वार के अंदर? हरिद्वार के अंदर टोटल 3 शमशान घाट है। एक तो ये सबसे पहला ये है। अच्छा, इसके बाद है कनखल, फिर चंडी घाट। वो चंडी घाट वाला जो वो गवर्नमेंट का है, पूरा काफी बढ़िया बना रखा है, वो बड़ा बना रखा है, मगर जो लाने वाले लोग जिनका जहाँ पहले से जुड़ाव है वो वही लाता है। अच्छा, या तो अपना काम कर, मेरा नाम ले लीजिए। तो वहाँ पर मतलब कोई चार्ज नहीं लगता था जो गवर्नमेंट का नाम है? मोस्टली चीज़ें आप ही देखते हैं यहाँ पे? भाई मोस्टली चीज़ें आपके यहीं देखते हैं आप? गवर्नमेंट वाले पे बिन भुक्की लवारिस यहीं का बंदा लाता है, लवारिस का जहाँ संस्था सेवा समिति करती है। उधर फिर वापस घर के पेड़े में जाके वो तो जिनके पंडित होंगे, जिनके पंडे होंगे, जिनकी जहाँ पे बही होगी, जिनके पूर्वजों का जो जुड़ाव होगा वहाँ जाके। ये क्या जला रहे हो? ये कूड़ा है, तो गंगा जी में ना जाए जिससे। और यहाँ पे कितना टाइम लगता होगा एक लाश को मतलब जलने में? कितना टाइम? 4 घंटे कम से कम पूरा जलने में लगते हैं। अगर वो प्रोसेस के अनुसार करेगा, फूल चुकने का वो सिस्टम करेगा, तो फिर मान के चलो आज मुखाग्नि देंगे, कपाल क्रिया करके चला गया, उसके कल सुबह आके या तीसरे दिन या फिर चौथे दिन आके फूल चुकता है, जब बिल्कुल नीचे तक की जमीन ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो मतलब 4 दिन लग जाता है जलने बिल्कुल जमीन ठंडी होने में जो प्रोसेस है, मगर बाहर से जो लाएगा ना उसका आज ही हो जाता है हाथों हाथ। यहाँ लाने का मतलब ही वही है फिर कि आज ही हो जाएगा। फिर वो अस्थि कैसे देता होगा? अस्थि मिल जाती है आजकल तो, ये भी हो गया ना कि एक मशीन में डालते हैं अपने आप जल जाता है तुरंत। मशीन वाला भैया देखो, यहाँ पे पहले था बिजली वाला, लोगों ने करा नहीं, अब दोबारा चालू हो गए गैस वाले। अब जिसको जैसा करना होगा, लकड़ी भी रहेगी, जिसकी जैसी श्रद्धा होगा। ऐसा है ना, किसी की मन की ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। जिसको ज़्यादा जल्दी अगर वो गैस वाला कहेगा गैस वाले में कर, लकड़ी में कहेगा लकड़ी में कर। टोटल कितने हैं यहाँ पे? ये है पाँच इधर है, 10 है। 6-7-8-9-10
कम से कम 30-20-30 24 30 साल लोग एक साल जला सकते हैं यहाँ पे, 30 लोग इस टाइम पे। उस टाइम तो बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे रश, कोविड के टाइम पे सबसे पहले इसी घाट पे शुरू हुआ था जलना। डर भी बहुत बलास बहुत बहुत बॉडी भैया जिंदे कमा रहे थे, बॉडी ज्यादा आ रही थी, सिर्फ एक आधा बंदा आ रहा था उनका परिवार का। और यहाँ पे जैसे 30 अभी की स्ट्रेंथ है, उस टाइम तो कितनी जला रहे होगे आप लोग? भैया एक साथ कोई नहीं जलाते थे, जैसा प्रोसेस है वैसे ही होता था। जब वो जल जाता था तब उसके बाद दूसरे की लंबा लगता था, बाकी फुल रहता था घाट। तो जैसे 4 दिन 3 दिन वाला सिस्टम नहीं होगा उस टाइम तो वो कोई सिस्टम नहीं है भाई, जमीन खाली मिल रही है वही बात है। ये तो सनातन सनातन धर्म का है कि जमीन भी नहीं घेर रहे, और धर्म में तो कब्रिस्तान के नाम पे जमीन भी घेर लेते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद या तो मस्जिद बना देंगे या चर्च बना देंगे। उसके बाद वो जमीन कुछ दिनों तक ही होता है लास्ट, अब वो कम वो ये मेरी बात सुनो, डिकम्पोज होगा नहीं लास्ट, अब वो फिर जमीन दूसरी मांगेंगे, हमें दूसरी मांगेंगे जमीन दो हमें। ऐसी ईसाई ऐसी इस्लाम, इन्होंने तो जमीन घेरने का तरीका बना रखा कि दबनाओ कुछ समय तक, दफनाओ उसके बाद दफनाना बंद कर दो, नई जमीन ले लो, जमीन घेर गई उसके बाद उसमें बाजार बना दो, मस्जिद बना दो, घेर लो हमारी जमीन हो गई। साला सनातन का तो यह है, पंच तत्व से बना आदमी पंच तत्व में लीन हो जाता है, जमीन भी नहीं घेरता वो कि यहाँ पे बोर्ड लगा दो। हाँ हमारे में ये चीज है सनातन मुसलमान में, ये सनातन को हर कोई अपना रहा है, जो सनातन वही अपनाएगा जो सनातन को समझेगा। हमारे जो फर्जी लोग है, जो फर्जी हिंदू है, वो हालेलुया या जाली टोपी पहन के घूम रहे हैं। सही बात। और जो प्योर क्रिश्चियन है वो मन की शांति को और सनातन को अपना रहे हैं। आप ऋषिकेश में जाके देखो और दुनिया में जाके देखो, आउट ऑफ कंट्री जाके देखो आप, विदेश के लोग सही बात, आउट ऑफ कंट्री में रशियन कितने सारे जो हिंदू रिलीजन को अपना रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में कृष्ण जी के कुरान क्रिश्चियन में श्रीमद भागवत गीता पढ़ते हैं रशियन बहुत सारे। हमारे लोगों को क्या पता क्या एकदम चाहिए, ध्यान रखना कभी भी कोई चीज अगर तुम्हारे को तुम्हारे लिए अच्छी है ना वो, तो तुम्हें एकदम नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे लोग मेहनत तो करना नहीं चाहते, एकदम चाहिए हमें, फ्री के चक्कर में बहन जो किसी को भी जिता रहे, देश का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली में, अब फिर कटेंगे, मार काटोगे फिर काटेंगे, फिर याद आएगी बीजेपी। ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है, पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम चलने फिरने लग जाते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम जॉब करते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, और फिर हम शमशान घाट में आते हैं, और यहाँ से सीधा स्वर्ग या नर्क जाते हैं। स्वर्ग तो खैर अब कोई नहीं जाने वाला, तो सब यहाँ से नर्क जाते हैं। तो कुछ ऐसा है लाइफ का प्रोसेस, और इसीलिए हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए। शांति मिली है यहाँ पे, ऐसा लगा है कि हाँ भाई जीवन में मोक्ष पाना है तो एक ना एक बार यहाँ आना पड़ेगा, हर किसी को आना चाहिए। एंडिंग है लाइफ की, जर्नी का एंड है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम निकले मोक्ष द्वार से, यानी कि शमशान घाट से, और यार अलग ही फील हो रहा है। मतलब मेरे को लगता है कि सबको एक बार लाइफ में, कभी जैसे लाइफ में उथल पुथल हो रही हो ना, टेंशन बहुत सारा प्रेशर हो लाइफ में, तो एक बार शमशान घाट ज़रूर जाना चाहिए, 10 मिनट बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि एक ना एक दिन हम सबको यहाँ आना है। चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी गरीब हो जाओ, या कुछ भी हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी फेलियर हो बंदा, एक ना एक दिन तो यहीं आना है। तो लाइफ में थोड़ा सा बैठ के सोचना, कभी शमशान घाट एक बार ज़रूर जाना, ठीक है। और दूसरी चीज़, लाइफ में थ्रिल चाहिए, जॉब वॉब छोड़ो, बैग पैक करो और निकल जाओ भाई साहब, कहीं भी निकल जाओ। नहीं लगते पैसे, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, नहीं लगते पैसे, ठीक है। अलग जगह, अलग शहर, अलग खाना, अलग पहनना, अलग लोग, अलग सब कुछ, अलग भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी मिलियन मिलियन करवाओ, ठीक है भाई। तुम्हारा बैंकॉक हांगकॉन्ग जाने वाला है, दुबई वुबई का टूर बन रहे हैं अपने, अभी नहाने के लिए जा रहे हैं हम हरकी पौड़ी वापस, अब नहाएंगे थोड़ा सा और नहा के फिर मिलते हैं, ठीक है। खाना वाला भी खाना है, भूख लग रही है बहुत तगड़ी, रात में कुछ नहीं खाया।